बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया शुभारंभ। तेगरा प्रखंड अंतर्गत चिलाई पंचायत के संत कबीर मठ अंबा के मैदान में AISF चिलाई पंचायत के कार्यकर्ता के द्वारा 7 दिवसीय स्वर्गीय चंदन कुमार स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन बेगूसराय जिला खेल संघ के सचिव सिंटू सी AISF बेगूसराय के जिला सचिव मोहम्मद हसमत उर्फ बालाजी तेगरा थाना के AISF रामेश्वर यादव ने फीता काटकर एवं खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर संयुक्त रूप से किया। मौके पर अतिथियों ने संबोधन में कहा कि AISF ने इस तरह के खेल का आयोजन करवाकर समाज को आगे बढ़ाने में सकारात्मक पहल किया है। खेल से आपसी सौहार्द मजबूत होती है तथा जाति धर्म की दीवारों टूट जाती है। वो सिर्फ खिलाड़ियों होते हैं, खेल से गांव का नाम रोशन तो होता ही है, लेकिन खेल रोजगार का भी माध्यम है। आज नौजवान अच्छे खिलाड़ी बनकर नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। चिलाई पंचायत में यह मठ का मैदान उच्च स्तरीय खेल मैदान के रूप में जाना जाता है। इसके लिए जो परिश्रम करना हो पड़ेगा वो करने का प्रयास करेंगे। उद्घाटन मैच गौरा और अंबा के बीच खेला गया, जिसमें गौरा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 14 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 173 रन बनाया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए अंबा की टीम निर्धारित ओवर 8 विकेट खोकर 166 रन ही बना पाया। इस रोमांचक मैच को गौरा ने 7 रन से जीत लिया। अच्छा प्रदर्शन करने के लिए गौरा के टोनी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार AISF बेगूसराय जिला सचिव मोहम्मद हसमत उर्फ बालाजी के द्वारा दिया गया। टोनी ने 8 गेंद खेलकर 42 रन बनाए और 3 विकेट अर्जित किए। इस टूर्नामेंट को कराने में पंचायत समिति सदस्य संजीव कुमार, राकेश कुमार, कमल नैन गोपाल झा, दीपक कुमार, गुड्डू कुमार, पंकज कुमार, नीतीश कुमार, अमन कुमार, धर्मवीर कुमार, पंचायत समिति सदस्य संजीव कुमार आदि लोगों का अहम योगदान रहा। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। के हर सपने मिलने वाले हैं और उनके पास।